नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मेरे चैनल पे आने के लिए शुक्रिया। क्या ऐसा कोई हॉस्पिटल है जहाँ पे कि चिड़ियों का इलाज होता है, वो भी मुफ्त? सिर्फ पक्षियों का इलाज होता है? जी हाँ, होता है। मैं एक ऐसे हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली में है। पूरी जानकारी पाने के लिए उनके टेलीफोन नंबर्स और क्या नियम शर्तें हैं, ये वीडियो देखिए। और ये है पुरानी दिल्ली में एक चैरिटेबल हॉस्पिटल चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए, और फ्री यहाँ पर इलाज मिलता है घायल और इस तरह की कोई अगर बीमार चिड़िया है तो उसके लिए। और उसके लिए क्या किस पक्षी को क्या खाना देना है, क्या दाना देना है, उसके बारे में भी यहाँ जानकारी भी मिलती है और दाना भी मिलता है अलग अलग पक्षियों का। और ये है जामा मस्जिद के पास में, लाल किला के ठीक सामने, लाल जी मंदिर के अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के टेलीफोन नंबर्स भी दिए हुए हैं। सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात को 9 बजे तक खुला रहता है। और ईमेल आईडी और ये सारे इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं मेरे वीडियो से। ये है पक्षियों का धर्मार्थ चिकित्सालय यानी चैरिटी बर्ड्स हॉस्पिटल। और ये शायद पूरी दिल्ली में अकेला एक हॉस्पिटल होगा बर्ड्स के लिए स्पेशली, और फ्री जहाँ ट्रीटमेंट मिलता है, हफ्ते के 7 दिन खुलता है। यहाँ पे आके आप अपने घायल या बीमार पक्षी का इलाज भी करा सकते हैं और किस पक्षी को क्या दाना देना है, क्या आहार देना है, उसकी जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ से वो दाने और आहार ले भी सकते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे कई वीडियो बनाता हूं जहां पे कि अलग अलग तरह की पद्धति का इलाज मिलता है। पूरे भारतवर्ष में कई जगहों पे जाता हूं और ऐसे वीडियोस बनाता हूं, ऐसे कई वीडियोस बना चुका हूं। और इन वीडियोस को पहले मैं अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर प्रोफाइल पे शेयर करता हूं, बाद में यूट्यूब पर करता हूँ। तो अगर आप मेरे इंस्टा फॉलोअर बनते हैं या फिर ट्विटर फॉलोअर बनते हैं तो आपको जानकारी पहले मिलेगी, यूट्यूब के माध्यम से बाद में मिलेगी। तो आप अगर ऐसा चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को भी, इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिए और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो करिए, तो आपको इस तरह की जानकारी मिलेगी। इसको अपने सोशल्स पे आप शेयर करेंगे तो आपके नेटवर्क में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसको ऐसी जानकारी की ज़रूरत हो, तो उसका फ़ायदा हो सकता है। शुक्रिया।